समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल उत्तम के गोरखपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, महानगर अध्यक्ष जावेद इस्लाम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन भाजपा का सफाया करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 5 वर्षों के शासन में किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान पूरे विश्व के सबसे ताकतवर जवान हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा पूरे मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने पुलवामा के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल उत्तम ने कहा, हम हैं ना सब रोकने के लिए। समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर तक का संगठन मजबूत है और उसी की सघन समीक्षा के लिए अभी समाजवादी पार्टी ने 24 तारीख को सेक्टर प्रभारियों का और 26 तारीख को बूथ प्रभारियों का आज सम्मेलन सभी जगह किया है। उपस्थिति से और उत्साह से साबित होता है कि 2019 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। देखा जाए किसानों को लेकर काफ़ी योजनाएँ सरकार चला रही है और किस तरह की योजनाएँ सरकार किसानों तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, इसमें आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुछ पहल की है, जांच की है? 5 वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न शोषण किसानों का हुआ है इस प्रदेश में, देश में। किसान सबसे ज़्यादा दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आवारा पशुओं से उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है और किसानों को जो इनका वादा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन किसानों को लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे किसान बेहद नाराज है और इंतज़ार कर रहा है जल्दी हमको मतदान करने का मौका मिले, हम बीजेपी को हटाएं। देखिए जो पाप इन्होंने किया, 5 वर्ष के अंदर जनता को छला, जो वादा किया उसको नहीं निभाया और उन वादों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की नाटक करते हैं। अभी आज एक एयर सर्जिकल हुआ है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरे देश की सीमाओं में हमारे सेना के बहादुर साथियों की, सेना के जवानों की बहादुरी से हमारा देश सुरक्षित है। हम सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनको समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नमन करता है। उनका उनसे पूरे देश को मजबूती जो उन्होंने दिया अपने प्राण निछावर करके, उनके संघर्ष को, उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं।